वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक और वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम टेशांत अग्रवाल, तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस और फंडिंग न्यूज। दोस्तों सबसे पहले जो खबर निकल के आती है तो भारतीय एयरटेल की तरफ से निकल के आती है। दोस्तों भारतीय एयरटेल कंपनी जो है 6000 करोड़ रुपये रेज करने वाली है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के द्वारा। दोस्तों डिवेंचर्स आप सभी को पता है दोस्तों एक तरह के लोन ही होता है। दोस्तों सिंगापुर की टेलीकॉम कंपनी जो कि 3.33% स्टेक जो है अपना इंडियन टेलीकॉम कंपनी में सेल कर रही है, और उसी स्टेक को जो है खरीदने के लिए जो है लोन जो है कंपनी जो है भारतीय एयरटेल रेज कर रही है पैसा। और दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है इसमें पैसा लगाने वाले ज्यादातर, और कुछ लोकल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है इसकी तरफ अपना पैसा लगाने वाले। खबर निकल के आती है एनडीटीवी की तरफ से। दोस्तों अडानी जो एनडीटीवी को खरीदने, सभी को पता दोस्तों एनडीटीवी दोस्तों जो 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है दोस्तों मार्केट रेगुलेटर सेट ने, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल ने, क्योंकि दोस्तों जो है इनकी दोस्तों डील जो होने वाली है अडानी को खरीदने की, जो एनडीटीवी में स्टेक ले रहे हैं 29% का। दोस्तों सभी को जो डिस्क्लोजर है वो देने पड़ते हैं कि कितना लोन है कंपनी में, कितने असेट्स हैं, कितनी दोस्तों लायबिलिटीज हैं। दोस्तों जो है उनके जो फाउंडर्स और प्रमोटर्स हैं उन्होंने जो है नहीं बताया था कि उनके पास दोस्तों उन्होंने जो है लोन भी ले रखा है। दोस्तों उसी केस में दोस्तों इन पर जो फाइन लगाया गया, सेबी ने इन पर लोन लगाया था 5 करोड़ का, लेकिन उसको कम करके 10 लाख रुपये का जो है लोन इन पर लगाया गया एनडीटीवी पर, जो कि उन्होंने दोस्तों जो मंडे को पे कर दिया है। अगले खबर निकल के आती है जियो की तरफ से। उनको जो है लेटर ऑफ इंटेंट जो है उनकी कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज है उनके लिए मिल चुका है लेटर ऑफ इंटेंट। दोस्तों यानी कि एक तरह की परमिशन हो गई कि अब दोस्तों जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं दोस्तों जियो वाले। जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड जो उनकी प्राइवेट कंपनी थी, जो उनकी खुद की कंपनी है जियो की, उन्होंने दोस्तों कह दिया है कि अब जो है अपने सैटेलाइट का जो बेस है तैयार करने वाले। यानी दोस्तों पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हो अभी दोस्तों टावर्स की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए, फोन को दोस्तों जो है यूज़ करने के लिए, फोन मिलाने के लिए। लेकिन दोस्तों जब सैटेलाइट दोस्तों जैसे टेस्ला जो है न्यूरालिंक के द्वारा बना रहा है, ऐसे दोस्तों जो है एलन मस्क भी काम कर रहे हैं। अब दोस्तों हमारे जो मुकेश अंबानी है दोस्तों वो भी जो है इस सैटेलाइट सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। तो देखते दोस्तों जो है कब तक ये सैटेलाइट की जो सर्विसेज है हमको इंडिया में देखने को मिलती है। तो अगले खबर निकल के आती है मेंसा ब्रांड्स की तरफ से। तो जो माय फिटनेस दोस्तों जो ब्रांड है जो दोस्तों साहिल खान ने दोस्तों शुरू किया, उसमें उनके पार्टनर्स हैं जिनको आप जानते होंगे, जिसके दोस्तों सबसे फेमस जो पीनट बटर है उसको कृति सेन, बड़े बड़े जो रविंद्र जडेजा जैसे क्रिकेटर है वो भी उसको प्रमोट करते हैं। दोस्तों मेंसा ब्रांड जो है वो उसी माय फिटनेस को जो खरीदने जा रहा है। उनका दोस्तों टारगेट है अगले 3 से 4 साल में दोस्तों इस ब्रांड को 1000 करोड़ का बनाने का। दोस्तों जो मेंसा ब्रांड है अपने D2C में दोस्तों जो एक्सपेंड कर रहा है अपने बिजनेस को ग्लोबल मार्केट्स के लिए जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, जैसे कि दोस्तों और अच्छी जो है इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है और डाइवर्स इनका पोर्टफोलियो जो बन सके। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आती है दोस्तों कि गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर का प्लांट बनाया जा रहा है वेदांता लिमिटेड के संग। दोस्तों जो वेदांता लिमिटेड है वो फॉक्सकॉन जो कि दोस्तों ताइवान की कंपनी जो सेमीकंडक्टर बनाती है उसके संग टाइप कर लिया, उसके संग जॉइंट वेंचर कर लिया दोस्तों। और $20 बिलियन दोस्तों जो है इसमें इन्वेस्ट किए जाने वाले हैं। गुजरात के अंदर जो है इनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया जाएगा, लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। और गुजरात में दोस्तों जो है स्टार्टअप्स को दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज को पहले से दोस्तों जो है कई सारे ऑफर्स दिए जाते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा रहेगा इंडिया में दोस्तों सेमीकंडक्टर्स बनेंगे दोस्तों, जो मोबाइल वगैरह जितने भी जो IoT प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस है वो कम हो पाएंगे। अभी दोस्तों जो है TSMC जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 50% पूरे ग्लोबल मार्केट का जो है सेमीकंडक्टर बनाता है। तो लेकिन दोस्तों अब इंडिया में बनेगा तो इंडिया की ग्रोथ भी दोस्तों, इंडिया को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इंडिया के लोगों को जो है पर हेड कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की भी बिजनेस और फंडिंग भी दोस्तों पसंद आएगी। दोस्तों मेरा आशा रहता है कि दोस्तों मेरी होप रहती है कि आपको जो जल्द से जल्द जो है 5 से 6 मिनट कर दीजिए, उससे भी कम दोस्तों आपको जो अच्छी अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड कर दी जाए। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे सफल को, मेरे मिशन को सफल बनाइए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए।